उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर आ रहे उपचुनाव के रिजल्ट के बीच समाजवादी पार्टी का बड़ा हमला सामने आया है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। पार्टी की ओर से रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाया जा रहा है। दरअसल रुझानों में सपा काफी पिछड़ती नजर आ रही है, ऐसे में पार्टी ने रिजल्ट प्रकाशन में देरी का आरोप लगा दिया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के आधिकारिक एक्स अकाउंट से किए गए पोस्ट में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं। इससे पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सपा कार्यकर्ताओं पर निशाना साधा है। सपा मीडिया सेल ने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को संबोधित पोस्ट में रिजल्ट प्रकाशन पर सवाल उठाए गए हैं। मीडिया सेल ने चुनाव आयोग से सवाल किया है कि काफी देर से चुनावी मतगणना का डेटा वेबसाइट पर अपलोड क्यों नहीं किया जा रहा है, क्या भाजपा सत्ता के इशारे पर आपके द्वारा भाजपा से मिली भगत करके किसी धांधली की साजिश है। सपा मीडिया सेल ने सवाल किया है कि क्या जनता अपने अधिकार और जनमत की सुरक्षा के लिए सड़कों पर उतरेगी तभी आपको समझ में आएगा। पार्टी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जनमत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, इसके गंभीर दुष्परिणाम होंगे क्योंकि अब बेईमान चुनाव आयोग भी जनता के निशाने पर है। आपको बता दें कि जनता भी चुनाव आयोग की बेईमानी को समझ रही है और जनता बेहद गुस्से में है। इसके बाद एक और पोस्ट शेयर किया गया है जिसमें लिखा गया है कि चुनाव आयोग निष्पक्षता बरते, डाटा फीडिंग समय समय पर सुनिश्चित करें, जनता के सब्र की परीक्षा ना लें, बेईमानी और धांधली नहीं चलेगी। जनता निष्पक्ष मतगणना चाहती है, निष्पक्ष परिणाम चाहती है, जनमत की चोरी को जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। मतदान के दिन जो पुलिसिया तांडव हुआ है उससे भाजपा सरकार और चुनाव आयोग राजीव कुमार पर से जनता का विश्वास उठ गया है। अब जनता उग्र है, आंदोलित है और अपने अधिकार के प्रति सजग है। जनता का अधिकार छीनने की कोई भी कोशिश लोकतंत्र के लिए खतरनाक होगी। आपको ये भी बताते चलें कि नतीजों के एक दिन पहले अखिलेश यादव ने भी पोस्ट शेयर किया था और लिखा था कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में चुनाव आयोग और इंडिया गठबंधन सपा के सभी 9 सीटों के उम्मीदवारों से ये अपील है कि कल सुबह ये सुनिश्चित करें कि नियम अनुसार पोस्टर बैलेट पहले गिने जाएं और फिर ईवीएम मशीनों के वोटों की मतगणना हो। सभी पूरी तरह मुस्तैद रहें और किसी भी तरह की गड़बड़ी न होने या उसकी आशंका होने पर चुनाव आयोग और हमें तुरंत सूचित करें। चुनाव आयोग से आश्वासन मिला है कि कोई भी अनियमितता नहीं होगी, जीत का प्रमाण पत्र लेने तक पूरी तरह सचेत, सजग और सावधान रहें। उपचुनाव के वोटों की गिनती के रुझानों में समाजवादी पार्टी पिछड़ती हुई दिख रही है। सपा को महज 2 सीटों पर बढ़त मिल रही है तो वहीं सपा को मैनपुरी की करहल और कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि कुंदर की और कठेरी जैसे सपा के गढ़ में भाजपा उम्मीदवार बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं फूलपुर की बात करें तो फूलपुर विधानसभा सीट पर लोकसभा चुनाव के दौरान बढ़त बनाने वाली सपा उपचुनाव में पिछड़ती हुई दिख रही है। गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, मंझवा जैसी सीटों पर एनडीए उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव का रिजल्ट आने वाला है। इसको लेकर चुनाव आयोग की ओर से तैयारियों को भी पूरा कराया गया है। यूपी उपचुनाव का रिजल्ट कई मायनों में महत्वपूर्ण भी होने वाला है। लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट में भारतीय जनता पार्टी को यूपी में कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ा था और इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए समीकरण के सहारे भाजपा को बैकफुट पर धकेल दिया था। 2014 की बात करें तो 2014 के बाद पार्टी का यूपी में सबसे खराब प्रदर्शन रहा। पार्टी केवल 33 सीटों पर जीत दर्ज कर सकी। तो वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें कि समाजवादी पार्टी ने पार्टी गठन के बाद पहली बार 37 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। यूपी उपचुनाव में भाजपा अपने प्रतिष्ठा को वापस पाने और सपा जीत के क्रम को बरकरार रखने के लिए उतरी है। दोनों दलों के बीच कड़ा मुकाबला होता दिख रहा है। यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव हुए, उनकी मतगणना का रुझान जिस प्रकार से सामने आ रहा है उसने समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच हुए मुकाबले की असली तस्वीर सामने ला दी है। भाजपा सभी 9 सीटों पर भाजपा विपक्षी सपा को कड़ी चुनौती पेश करते दिख रही है। तो वहीं मैनपुरी की करहल, कानपुर की सीसामऊ, अम्बेडकर नगर की कठेरी और मुरादाबाद की कुंदर की जैसी समाजवादी पार्टी के गढ़ वाली सीट पर भाजपा कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रही है। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।
8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।